हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से नव वर्ष का आरंभ होता है और चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है गुड़ी पड़वा का त्योहार, जो चंद्र सौर हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। हिंदू धर्म में नए वर्ष के प्रथम दिन के स्वामी को उस वर्ष का राजा माना जाता है। साल 2023 में हिंदू नव वर्ष का आरंभ बुधवार के दिन हो रहा है, इसलिए नए संवत के स्वामी बुधदेव हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है। इसे गुड़ी पड़ोवा के नाम से भी जाना जाता है और कोंकणी में संवत्सर, पड़ोवा या पाड़वो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द प्रतिपदा से हुई है, जो चंद्र पखवाड़े के पहले प्रथम दिन को बताता है। गुड़ी अर्थात विजय पताका यानी कि ध्वज, और प्रतिपदा तिथि को पड़वा कहा जाता है। इस दिन मराठी समुदाय के लोग अपने घर के बाहर गुड़ी बांधकर उसकी पूजा करते हैं। गुड़ी को समृद्धि का सूचक माना गया है। माना जाता है कि घर में गुड़ी लगाने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। लोग अपने घरों में विशेष तौर पर पारंपरिक व्यंजन जैसे पूरन पोली और श्रीखंड भी बनाते हैं, साथ ही मीठे चावल भी बनाए जाते हैं। इन चावलों को शक्कर भात कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय के साथ ही अलग अलग अनुष्ठान आरम्भ हो जाते हैं, जो पूरे दिन चलते हैं। नया साल सुख शांति समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए, इसी कामना के साथ इसकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं नए साल 2023 में गुड़ी पड़वा कब है, इसका महत्व और शुभ मुहूर्त। इस साल गुड़ी पड़वा का त्योहार 22 मार्च को है। इस दिन को कर्नाटक में युगादि और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि के नाम से मनाया जाता है। कश्मीर में नवरेह, मणिपुर में सजीबू नोंगमा पनाबा कहा जाता है। वहीं गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय के लोग इसे संवत्सर पड़वो का पर्व मनाते हैं। सिंधी समुदाय के लोग इस दिन चेती चंड का पर्व मनाते हैं। आइए अब जानते हैं गुड़ी पड़वा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार गुड़ी पड़वा को संसार का पहला दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। संसार में सूर्यदेव पहली बार उदित हुए थे। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने इसी दिन बाली का वध करके लोगों को उसके आतंक से छुटकारा दिलाया था। कुछ हिस्सों में यह स्वर्ण लंका के राजा रावण पर अपनी जीत और शालिवाहन कैलेंडर की शुरुआत के बाद अयोध्या में भगवान राम की ताजपोशी का सम्मान करता है। महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में गुड़ी पड़वा का त्योहार शिव जी के नृत्य और गुड़ी कावड़ से भी जुड़ा हुआ है, जिसे एक बड़े समुदाय द्वारा मनाए गए शिव मंदिर में एक साथ ले जाया गया था। इस दिन को लोग विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यही वजह है कि इस खुशी के मौके पर घरों के बाहर रंगोली बनाई जाती है और विजय पताका लहराकर जश्न मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा वसंत ऋतु के आगमन और फसलों की कटाई को भी दर्शाता है, यानी कि रबी की फसल। ये भी मान्यता है कि वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया था। इसी के बाद मराठी लोग हर साल इस परंपरा का पालन करते हैं। और अब जानते हैं गुड़ी पड़वा त्योहार का साल 2023 में पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि गुड़ी पड़वा 21 मार्च को रात 10:52 से आरंभ होगी और अगले दिन 22 मार्च को रात 8:20 पर इसका समापन होगा। उदिया तिथि के अनुसार गुड़ी पड़वा 22 मार्च को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:39 तक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हिंदू नववर्ष की एडवांस शुभकामनाएं एवं बधाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।